नमस्कार डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। खाजरौत तहसील के गांव नापाखेड़ी में रास्ते व गलियां फूलों से सजी, हर घर आंगन रंगों से रंगे। बता दें, आकाश गूंजा, घर घर दीप जले। 22 जनवरी 2024 को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त का हर सनातनी राम भक्त को बड़ी बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि लगभग 500 वर्षों के बाद जन जन के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने ही गृह नगर अयोध्या में एक भला समारोह के साथ लाखों लोगों की साक्षी में मंदिर में विराजमान होंगे। श्री राम उक्त भव्य प्राण प्रतिष्ठा में जन जन को जोड़ने के लिए व निमंत्रण देने के लिए पूरे देश में पूजित अक्षत कलश यात्रा निकाली जा रही है। यह यात्रा पूरे देश में गांव गांव पहुंच रही है और राम भक्त हर सनातनी इस कलश का भव्य स्वागत कर अपने आप को धन्य मान रहा है। इसी कड़ी में 29 दिसंबर को खाजरौत के गाँव नापाखेड़ी में पूजित अक्षत कलश यात्रा निकाली गयी। समस्त ग्रामवासी इस पूजित कलश यात्रा में नाचते झूमते दिखाई दिए और भगवान के मंदिर पर कलश विराजित किया, फिर आरती प्रसाद कर वितरण किया। जिसमें से हर घर में जाके अक्षत और इसके साथ में भगवा ध्वज हर घर पे देंगे। जिसमें आप वो भगवा ध्वज अपने घर पे लगाना है और भावी जलवायु को हम अयोध्या में नहीं जा सकते, उसी उपलक्ष्य में हम अपने गांव में क्यों ना अयोध्या में जिस प्रकार दिवाली मनाई जाएगी उसी तरह अपने गांव में दिवाली मनाए। तो हम सब अपने अपने घर पे 5 से अधिक दीपक जलाकर और कुछ रंगोली या अन्य कुछ उत्साह करके अपने अपने पूरे गांव को सजाएं और दोपहर में अपने मंदिर पर महाआरती का आयोजन रखा जाएगा, जिसमें सभी ग्रामवासियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। खाजरौत से मुरलीदास बैरागी की खास खबर। और भी खास जानकारी के लिए देखते रहिए डीवी न्यूज़।